हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन बाय गीता शर्मा, जहां हर कोई बनेगा डिजाइनर। मैंने अभी अभी एक कम्युनिटी पोस्ट की थी 3 से 4 दिन पहले कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, इतनी सारी विशेज दी हैं और इतनी सारी दुआएं की हैं कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी अच्छी हो गई है और हम हॉस्पिटल से 3 से 4 दिन हम लोगों को वापस आए हुए हो गए हैं। अभी वो बिल्कुल ठीक है, पहले से सही है। एक ही महीने में 2 बार उसको टाइफाइड हुआ है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, तो हमें उसे एडमिट कराना पड़ा और आप लोगों ने इतनी दुआएं की तो वो जल्दी ठीक हो गई है। पर डॉक्टर ने बोला है कि 5 से 6 महीने तक थोड़ा उसका हमें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो कोई नहीं है, बच्चों का ध्यान तो हर माँ बाप अपना ज़्यादा से ज़्यादा रखता है और मैं भी रखती हूँ। वो मेरी बेटी ही नहीं, वो तो मेरी सहेली है। मतलब क्या मैं बताऊँ आपको, जैसे एक बड़ा इंसान सलाह देता है ना हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी, जैसे मैं अपनी बेटी को सलाह देती हूँ, ऐसे वो मुझे हर चीज़ की सलाह देती है। मेरे हस्बैंड से भी अगर मेरी लड़ाई हो जाएगी ना, तो वो मुझे समझाएगी, छोड़ो मम्मी क्या करना है, हो गया ऐसे। मतलब वो बड़ों वाली चीज़ करती, तो अगर उसको जरा सा भी कुछ होता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं तकलीफ़ में आ जाती हूँ। अभी वो ठीक है बिल्कुल, बच्चे तो माँ बाप की जान होते हैं, तो अभी वो बिल्कुल ओके हैं। 2 दिन से मेरे पीछे पड़ रही थी, आप अपनी वीडियो बनाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी वीडियो बनाओ। मैंने कहा, और मेरा मन थोड़ा सा वीडियो बनाने का तो था ही, पर थोड़ा सा उसी की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा जा रहा है। तो अभी वो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बहुत प्यार की आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए इतनी सारी दुआएं की हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या कमा लिया है। जो आप लोगों देखिए, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी को एक मैसेज भी कर दे, और आप सबने मैसेज किए और इतनी सारी दुआएं मेरी बेटी के लिए लिखी है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बने रहना ऐसे ही बिल्कुल मेरे परिवार की तरह, मेरे साथ सुख में भी और दुख में भी। आप भी अपना कुछ भी शेयर मेरे साथ कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फैशन बाय गीता शर्मा। बन जाइए और जुड़ जाइए एक परिवार की तरह। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ आपको 2 ब्यूटीफुल सी कुर्ती, जो कि मैंने प्रिंटेड साड़ी में से बनाई है। प्रिंटेड साड़ी के लिए काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास प्रिंटेड साड़ी पड़ी है। प्रिंटेड साड़ी का मैं पहले भी रीयूज आपको बता चुकी हूँ और बहुत ही अच्छा बता चुकी हूँ। ये देखिए, ये वाली वीडियो थी वो जिसमें मैंने आपको प्रिंटेड साड़ी का रीयूज बताया है कि आप क्या क्या बना सकते हैं और क्या क्या मैंने बनाया है। ठीक है, अभी मैं आपको और 2 कुर्ती दिखा देती हूँ ऐसी, जो कि मैंने बनाई है प्रिंटेड साड़ी में से ही। और आप ऐसा कपड़ा खरीदने चाहिए बाहर, 60-70 रुपये मीटर से कम नहीं है जो साड़ी वाला अच्छा वाला कपड़ा होता है। कपड़े की तो देखिए कोई रेट की आप सोचिए मत ना, मतलब कि 150-150 रुपये मीटर प्रिंटेड कपड़े, 200-200 रुपये मीटर जो 3D प्रिंट होता है ना, वो तो 150 रुपये से स्टार्टिंग है, कितना भी आप महंगा लीजिए कितना भी। तो एक कुर्ती मैंने बनाई है इस तरह की, फ्रंट ओपन वाली है, मतलब जैसे आपको ये प्रिंट दिख रहा है ना ऐसे ही बस ये साड़ी थी पूरी की पूरी। ये पिंक ऊपर ही था, नीचे ये था और नीचे ये हल्का सा बॉर्डर था। तो यहाँ पर चुनटे डाली है, चुनटे डालकर ऊपर कोटी बना दी है सिंपल, बिल्कुल ये बैक से दिखा रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिंपल वो कर दी है। ये देखिए ऊपर की बॉडी सिंपल स्लीवलेस बनाई है, सिंपल स्लीवलेस बना दी है यहाँ पर चुनरी डालकर नीचे पूरा। और ये फ्रंट में ये देखिए ओपन किया है फ्रंट से, यहाँ से फ्रंट से ओपन है, और कितनी ज़्यादा ये अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ये फ्रंट ओपन की लॉन्ग कुर्ती आप बना सकते हैं, जैसे कि जीन्स वगैरह पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। साइड में आप पिक देखिए, बहुत ही प्यारी लगती है। ऐसी आप अपनी पुरानी साड़ी में से बना सकते हैं, ये देखिए पुरानी साड़ी ही है ये। ऊपर वाले हिस्से में क्या करना है आपको, लाइनिंग जरूर ही लगानी है ऊपर वाले हिस्से में, अगर आप इस तरह की कुर्ती बना रहे हैं। आप चाहें तो लाइनिंग नहीं भी लगाएं, बट लेकिन ऊपर अगर लाइनिंग लगाएंगे आप तो नीचे जैसे जीन्स वगैरह आप डालेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने लाइनिंग नहीं लगाई तो जो अंदर का इनर है, शमीज है या कुछ भी है, वो बिल्कुल ही आपको मैचिंग वगैरह ही
ही पहनना पड़ेगा, वो बिल्कुल कहीं, क्योंकि उसमें से दिखेगा तो जरूर ही ऊपर वाले हिस्से में से। अब कपड़ा मैं आपको बता दूं, देखिए जो साड़ी का फैब्रिक है वो काफी मोटा है, तो इसमें से मतलब ट्रांसपेरेंट तो है, दिख रहा है, पर ऐसे ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो आप लगाएं ऊपर की तरफ लाइनिंग और नीचे बिल्कुल नहीं लगाएं, ऐसे कलर के कपड़े में, मतलब ऐसे कपड़े में, ठीक है ना, जो सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, जिसमें थोड़ा सा ना नीचे का दिखे नहीं, कपड़ा जो भी हमने पहना है को लाइनिंग लगानी है या नहीं लगानी है कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें लाइनिंग की कोई जरूरत नहीं है नीचे की तरफ। तो ये हो गया एक साइड में, आप पिक देखिए कि ऐसे फ्रंट ओपन बनाते हैं तो कितनी ज्यादा वो अच्छी लगती है। ऐसी ही चुन्नटों वाली कुर्ती मैंने एक और बनाई है, साइड में आप पिक देखिए उसकी, प्रिंट की साड़ी से बनाई थी ये मैंने, इसमें भी मैंने, इसमें मैंने ऊपर भी मतलब जो लाइनिंग है वो नहीं लगाई है, क्योंकि ये कपड़ा इसमें कुछ भी ऐसा अंदर से इनर वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, फ्रंट ऊपर पर भी, तो मैंने इसमें नहीं लगाई बिल्कुल भी, नीचे तो लगाई ही नहीं है। नीचे लगाने पर तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगानी है तो आप पूरा बंद कर दीजिए, इसमें मैंने नहीं लगाया है। इसे मैं दो तरीके से पहन लेती हूँ, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, आप साइड में पिक देख सकते हैं। और अभी बेटी की बड़ी ही ख्वाहिश है कि उसको जाना है माता के मंदिर, जैसे कि हम जाते हैं ज्यादातर शाकुंभरी देवी, कौन कौन जाता है मुझे भी बताना कि शाकुंभरी देवी कौन कौन जाता है, तो वहां जाने के लिए वो बोल रही है, तो हम उसको थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं। काफी टाइम हो गया उसको यही कि मम्मी ऐसे बीमार हो रहे हैं, घर का अच्छा नहीं हो रहा माहौल। मैंने कहा चलो ठीक है दर्शन कर आते हैं, तो मैंने रात को ही उसके लिए एक टॉप बनाया है। फिर मैंने सोचा आपको दिखा दूं, इसकी कटिंग स्टिचिंग मैंने नहीं बनाई है, पर अगर आपको इस टॉप की कटिंग स्टिचिंग चाहिएगी तो मुझे मैसेज करना। सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कटिंग स्टिचिंग नहीं बनाई तो मैं साड़ी भी आपको ढंग से नहीं बता पाऊंगी, पर मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये देखिए साड़ी थी कुछ ऐसी, ये था ऊपर का हिस्सा साड़ी में, अभी ये देखिए मैंने कट वट डाल रखे, कटिंग करी थी रात को, तो ये है ऊपर का हिस्सा साड़ी का जो हम ऐसे बल में डाल देते हैं बांधने की जगह पर। नीचे था ये प्रिंट, इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए हैं, नीचे था ये प्रिंट, उससे नीचे, इससे नीचे कौन सा प्रिंट था, इससे नीचे था ये वाला प्रिंट, यानी जो बलों में नीचे की तरफ आता है उसमें था साड़ी के अंदर ये वाला प्रिंट, ठीक है। पूरी साड़ी 5.5 मीटर की थी, ये ऊपर आ गया, बॉक्सेस आ गए, उसके बाद ये वाला प्रिंट आ गया। ऐसी साड़ियां सभी लोगों के पास ज्यादातर होती है, नीचे डिजाइन वगैरह होता है, तो आपको आइडिया आ जाएगा इसमें काफी अच्छा। तो ये है हमारा, ये पूरा ही इस तरीके से था, इसमें थोड़ा सा पीस जो कि पल्लू की तरफ होता है, ये था पल्लू की तरफ थोड़ा सा ही था, ये ज्यादा नहीं है, यही पीस है बस खाली, ठीक है। ये था, अब मैंने कैसे बनाया आपको, मैंने साड़ी दिखा दी, नीचे फ्लावर प्रिंट था और वो था। अब मैंने क्या किया, ये देखिए बहुत ही प्यारा टॉप उसके ऊपर लग रहा है ये पहनकर, और ट्रेंडी भी है, थोड़ी सी दुबली पतली हो गई है तो मैं उसके कपड़े थोड़े ढीले ढीले बनाने लगी हूँ, जिससे कि वो ज्यादा दुबली पतली ना लगे, अभी हो जाएगी वो ठीक धीरे धीरे, और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए स्लीव्स के लिए मैंने प्रिंट निकाला और यहाँ पर लगाई है मैंने फ्रिल, तो जो मैंने फ्रंट पर पेच लगाया है ये देखिए कितना ज्यादा सुंदर है, ये रिबन का काम है इसमें, इस तरीके के पेच वगैरह या कपड़े वगैरह ये सब मैं खरीदती रहती हूँ। अगर मैं मार्केट गई हूँ और मुझे 10 चीजें पसंद आई हैं तो मैं 10 की 10 खरीद कर और रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं कुर्ती भी डिजाइन करके सेल करती हूँ और टॉप भी डिजाइन करके सेल कर देती हूँ, तो जो भी मैं बनाती हूँ न्यू कपड़े में से, ये तो मैं आपको, आपको साथ साथ मैं ये भी तो बताऊंगी ना कि आप इस साड़ी का ऐसे रीयूज कीजिए या इस कपड़े का ऐसे ही रीयूज कीजिए, वो भी आप मेरे चैनल पर देखते जाएंगे बहुत ही सारे रीयूज, और जो नए नए बनाती हूँ सेल करूंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये आप देख सकते हैं किसी मार्केट के टॉप से कम ये टॉप नहीं है, अगर आप ऐसा टॉप खरीदने जाते हैं 300 350 से कम में आपको नहीं मिलेगा, वो भी क्वालिटी कैसी होगी उसका कोई भरोसा नहीं, ज्यादातर तो लीलन ही होता है, इसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी, खराब नहीं होगी, क्योंकि
ये देखिए मैंने ओल्ड साड़ी में से बनाया है, आपके पास अगर आपको, मेरे पास तो ओल्ड साड़ी नहीं है भैया, नई साड़ी में से बना लो, ज्यादा से ज्यादा आपकी साड़ी होगी 200-250 रुपए की, जो पुरानी साड़ियां हैं भाई वो वाली जो रखी है अभी मम्मियों के पास। अगर आप नई साड़ी खरीदने जाएंगे तो एक प्रिंट की साड़ी भी 1000 रुपए की है, अब तो महंगाई है अब काफी। यहीं पर मैंने डाली है चुनटे इस तरीके से, और नीचे की तरफ लगाई है मैंने प्रिंट की फ्रिल, ये आप देख सकते हैं पूरा टॉप। ये टॉप है, इसको ही आप लॉन्ग बना दीजिए, ये लॉन्ग कुर्ती हो जाएगी और बहुत अच्छी लगेगी। साइड में आप पिक देख सकते हैं, और ये मैंने शॉर्ट कर कर ही बनाया है। बैक में भी मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा, जो नीचे डिजाइन आया था, ग्रीन कलर का लगाया है, और चुनटे डाली है मैंने बैक में भी, और फ्रिल लगा दी है। बस इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें ना इंटरलॉक आप जरूर कराएं, अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तभी भी आपको टेलर के पास जाकर इंटरलॉक करानी है। इस कपड़े को, जो साड़ी वाला कपड़ा था, इसको बिना इंटरलॉक नहीं आप छोड़ेंगे, नहीं तो सारी ड्रेस पता 4 दिन नहीं चलेगी, वो खराब हो जाएगी। और ये थोड़ा लूज लूज ही बनाया जाता है, ये बिल्कुल फिट वाले टॉप नहीं होते हैं, ये लूज ही बनाए जाते हैं, और ये इतना अच्छा लग रहा है। काफी सारे मैंने प्रिंटेड साड़ियों में से प्लाजो भी बनाए हैं, वो आपको मैंने दिखाए थे वीडियोस में, प्लाजो बनाए हैं मैंने, पैंटे बनाई हैं मैंने, और कुर्तियां तो मैंने काफी सारी बनाई हैं प्रिंटेड। इसमें मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है। अगर मैंने साटन की कुर्ती बनाई है, साटन की कुर्ती देखिए साइड में बनाई है, ये कितनी ज्यादा अच्छी है, बीच में फ्रिल है, वेस्टर्न ड्रेस है, तो ऐसा भी आप प्रिंट की साड़ी में से बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगेगी। मैंने किसी के लिए 3D प्रिंटेड कपड़े में से बनाई थी, और बहुत ही अमेजिंग वो लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो साड़ी में से। अब कपड़ा काफी कम बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि देखिए देखने में लग रहा है आपको छोटा सा, पर ये जो नीचे की फ्रिल है, सारी जो जितना भी नीचे का प्रिंट था सारा इसमें आ गया है, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा पीस बचा है। देखिए देखिए ये बचा है 1 मीटर का, यानी नीचे की फ्रिल और स्लीव्स में 4 मीटर लग गया नीचे का कटकर, ठीक है। और ये बस ऊपर ऊपर का बचा है, इसमें से एक अच्छी कुर्ती तो बन जाएगी, वो मैं बनाऊंगी, या तो टॉप बनाऊंगी या कुर्ती बनाऊंगी। दो, तीन, और यहां से भी मैंने जो फ्रंट निकाला है, ये जो मतलब को बॉडी के बीच का हिस्सा निकाला है, 4 से 5 ऐसे फोल्ड कर करके, क्योंकि थोड़ा लूज बना है ना इसीलिए, तो ये बचा है, कुर्ती बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ही आपको बताना है कि हाँ हमें सीखनी है, तो ही मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग डाल दूंगी, और टॉप बना लूंगी तो डाल दूंगी मैं। अभी तो मैंने जल्दी जल्दी में बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन रहा है, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुर्ती पसंद आती है, टॉप पसंद आता है, तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस मैं सिखाने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फैशन बाय गीता शर्मा, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी ड्रेसेस बनाने वाली हूँ मैं, और सेल भी करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना ही चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर, बाय फ्रेंड्स, बाय।